Hello friends and welcome to Net Forum. Today in this lecture we are going to discuss declarative programming, which is another part of programming paradigm. And in this lecture we are going to discuss the concept of logic programming only. And in further lectures we are going to discuss functional programming and database programming separately. So let's not talk about logic programming. First of all, what is a declarative programming? A declarative program is that program which is directly based on facts and rules, right? We don't have to declare variables explicitly to initiate a particular program. And entirely, as we all know that it is a declarative means that directly we put our rules, our facts, and we generate the queries and test whether those queries fit those rules and regulations or not. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि लॉजिक प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज करेंगे उसका नाम है प्रोलॉग, इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लॉजिक. तो एक प्रोलॉग जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो आपका प्रोलॉग जो है वो एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो डिवाइड होती है इन पार्ट्स में. पहला से कहते हैं हम लोग फैक्ट, दूसरा कहलाता है आपका रूल्स, तीसरा आपका कहलाता है क्वेरीज और चौथा कहलाता है आपका रिजल्ट, राइट. तो प्रोलॉग जो है वो इन चार पार्ट में डिवाइड होती है. तो बहुत ही आसान तरीके से आइए समझते हैं कि ये चारों चीज़ें क्या होती हैं. ठीक है, सपोज मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा, राम इज ए फैट बॉय. कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसे शॉर्ट में ले देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कुछ अलग से है. राम इज़ ए फैट बॉय. दूसरा लिखता हूँ मैं, फ्रेजर इज़ ए डॉग. थर्ड वन, राम लाइक्स सीता. या फिर मैं ये लिखता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डॉग इज ब्राउन इन कलर. तो अगर मेरे पास ये तीन फैक्ट्स हैं तो आइए इनको प्रोलॉग के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें प्रेडिकेट्स कौन कौन से हैं. प्रेडिकेट्स में है जैसे कि फैट, ब्राउन और लाइक्स. तो फैट, फैट कौन है? फैट है राम, तो मैं कहूँगा फैट राम. ब्राउन कौन है? ब्राउन है डॉग. लाइक्स, अब लाइक्स तो इंसान अपने आप को खुद को तो लाइक करता करता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो लाइक जो हो हमेशा कम से कम दो लोग होते हैं. तो अगर दो लोगों के लिए कैसे लिखेंगे लाइक्स में? राम लाइक सीता, राम कॉमा सीता. ठीक है, तो ये जो है ये तीन आपके रूल्स हो गए, सॉरी फैक्ट्स हो गए, और इन फैक्ट्स के बेसिस पे हम रूल बनाएंगे. ठीक है, ये एक एग्जांपल था कि राम इज़ अ फैट बॉय एंड डॉग इज़ ब्राउन, राम लाइक सीता. एंड सपोज करिए कि कोई क्वेरी आती है और बल्कि काम करते हैं पहले देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं. तो लिखा हुआ है राम लाइक सीता, तो मैं एक और लिख लेता हूँ लाइक्स में. अब ये आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इन इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं इनको जो है वो हम फैक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट. अब इन एक फैक्ट और लिख लेते हैं, लाइक्स सीता एंड राम. अब मेरे को इसमें रूल्स लिखने में आसानी होगी. तो ये तो फैक्ट्स हो गए. अब एक प्रोलॉग में ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके बाद में डॉट लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि अब ये सेंटेंस का क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया. अब मान लीजिए मैं एक रूल लिखता हूँ, रूल जो है वो ये है कि डेटिंग, मतलब कि दोनों सामने घूमेंगे फिरेंगे तब, मतलब एक्स और वाई घूमेंगे फिरेंगे तब
ये जो साइन होता है ये इफ को होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ साइंस के बारे में, बता दूँ क्या होता है ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एंड है, एंड उसका साइन होता है कॉमा। जो इफ है, इफ का साइन होता है आपका कोलन और डैश। और है, और का साइन होता है आपका सेमी कॉलन। और जो नॉट है, NOT नॉट, उसके लिए हम सिंपली स्मॉल में नॉट लिखते हैं। तो एक्स और वाई डेटिंग करेंगे इफ, ये इफ है ना, इफ क्या क्या होना चाहिए, लाइक्स में एक्स और वाई एक दूसरे को लाइक करें, एंड होता है ना, एंड, एंड के लिए केवल कॉमा होता है, एंड लाइक्स में वाई और एक्स एक दूसरे को लाइक करें, और ऑफ कोर्स ये डॉट लगाना मत भूलिएगा। तो अगर ये रूल फॉलो होगा तो अगर मैं क्वेरी में, अब देखिए अगला पार्ट क्या होता है, क्वेरी भाई फैक्ट हो गए, सारे फैक्ट हो गए, रूल हो गए, अब क्वेरी, अब क्वेरीज में QUERIES क्वेरीज, क्वेरीज में मैंने एक क्वेरी लिखी, मान लीजिए आपके सामने कि क्या डेटिंग कर रहे हैं सीता और राम, क्या सीता और राम डेटिंग कर रहे हैं, आइए देखते हैं इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। अब सीता और राम डेटिंग कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए चेक करना पड़ेगा लाइक्स एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स। तो एक्स कौन है, यहाँ पे सीता बना दिया मैंने और वाई राम बना दिया, तो कोई नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे रूल्स देखेंगे। लाइक सीता कॉमा राम, ये यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है, और वाई कॉमा एक्स यानी कि राम कॉमा सीता दोनों ट्रू हो गए। तो यानी कि ये पूरा जो, अब देखिए जब ये ट्रू हुआ और ये ट्रू हुआ, दोनों ट्रू हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, पता है हमें। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, TRUE। अब आप पूछ रहे, सोच रहे होंगे कि अगर डेटिंग में सपोज सीता कॉमा सुरेश होता, सीता कॉमा सुरेश होता तो क्या होता, सीता कॉमा सुरेश होता तो रिजल्ट ऑफ फॉल्स, क्यों, क्योंकि हमने उसके लिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स नहीं बनाए, हमने इसके लिए कोई फैक्ट्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए सीता कॉमा सुरेश क्या आता, फॉल्स आता। तो ये हो गए आपके फैक्ट्स, ये रूल्स, ये उनकी उसकी रिलेटिव क्वेरी जो हमने जनरेट करी, और जो उसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। तो इस तरीके से प्रोग्राम की हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल सी एक लैंग्वेज है। और आइए एक प्रोग्राम, इसका एक जो है वो एग्जांपल और देखते हैं। अब मैं आपको एक और के हेल्प और का समझाता हूँ, लाइक्स राम कॉमा श्याम डॉट जो लगता है यहाँ पे, लाइक सुरेश कॉमा रमेश लव राम कॉमा सीता एंड, अब लाइक्स, अब लव है तो लव राम कॉमा सीता, बल्कि लव तो क्वेरी में आ जाएगा ना, इसको भी हटा देते हैं, लाइक्स में लगाते हैं, लाइक्स राम कॉमा सीता, लाइक्स सीता कॉमा राम। अब देखिए ये मैंने आपके सामने चार फैक्ट्स लिख दिए, ठीक है, ये चार क्या हैं आपके फैक्ट्स। अब मैंने क्या करा, हमने कुछ रूल्स बनाए, रूल्स बनाए, पहला बनाया फ्रेंडशिप का रूल, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को मैंने रूल बनाया, उसमें मैंने लिखा कि कोई भी दो एक्स और वाई आपस में फ्रेंड तब होंगे जब लाइक्स एक्स कॉमा वाई या फिर और
ये पक्का नहीं है, एक्स कॉमा वाई आपस में संबंध हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वाई कॉमा एक्स, क्योंकि वो हम लव के लिए रख रखा है। एक दोस्त हो सकते हैं लाइक्स में, तो फिर हम दोनों दूसरे प्यार करते हैं तो फिर प्यार हो जाता है। लाइक्स मतलब कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, दोस्ती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। तो मैंने और लगा दिया, ये एक थियोरेटिकल रिलेशन है, इसको हमें प्रैक्टिकली नहीं देखना है। हमने एक ग्रुप बना दिया भाई, एक्स कॉमा वाई लाइक मिल जाए या वाई कॉमा एक्स लाइक मिल जाए, एक भी लाइक मिल जाए, हम कह देंगे फ्रेंडशिप है, ठीक है। पहला रूल बनाया, दूसरा रूल बनाया हमने लव एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई दूसरे से जो एक ही वाई है, कैपिटल वाई ले रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हमने करा लाइक्स एक्स कॉमा वाई एंड, यहाँ पे एंड देखिए, लाइक्स वाई कॉमा एक्स। अब लव के लिए क्या रूल बनाया कि भाई एक्स कॉमा वाई अगर दूसरे को लाइक करेंगे तो वाई कॉमा एक्स भी एक दूसरे को लाइक करेगा, तो वो लव के रिलेशन हो गया। तो फ्रेंड्स अब आइए चेक कर लेते हैं क्वेरीज हमारी क्या होंगी। क्वेरीज तो पहली क्वेरी हमने दी फ्रेंडशिप राम कॉमा श्याम, राम और श्याम के बीच में फ्रेंडशिप है कि नहीं है। अब ये चलेगा तो आप देख रहे हैं क्या राम कॉमा श्याम मिल जाए या श्याम कॉमा राम मिल जाए, राम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक मिल गया हमें, मिल गया यहाँ पे, तो ये ट्रू हो गया राम कॉमा श्याम, तो एक भी ट्रू हो गया, चूँकि और है तो उससे और बाकी में फॉल्स आ जाएगा, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब अगर एक क्वेरी और ले लेते हैं, फ्रेंडशिप राम कॉमा मोहित। अब राम कॉमा मोहित तो कहीं भी रूल में है ही नहीं, तो दोनों में क्या मिलेगा, फॉल्स और फॉल्स, जो कि क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, फॉल्स, राइट। सो द आइडिया इज दैट वी फर्स्ट मेक द फैक्ट्स एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स वी मेक अवर रूल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स वी चेक वेदर द वैल्यूज आर गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स। इन फ्रेंडशिप एक्स कॉमा वाई वी हैव मेक द रूल दैट फ्रेंडशिप एक्स कॉमा वाई विल बी देयर इफ देयर वुड बी अ लाइक ऑफ एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स एक्स लाइक्स वाई और वाई लाइक एक्स, एनी ऑफ द कंडीशन वुड बी ट्रू, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू बिकॉज वी हैव टेकन फॉल्स ट्रू और हेयर। लाइक सपोज वी हैव गिवन हेयर राम कॉमा श्याम, राम लाइक श्याम, इज देयर इन दिस फैक्ट राम कॉमा श्याम, यस इट इज देयर, टू ट्रू इज देयर सिंस देर इज और इन बिटवीन दैम, सो लाइक्स वाई कॉमा एक्स नीड नॉट टू बी ट्रू बिकॉज देयर सीता कॉमा राम इज नॉट देयर, सॉरी श्याम कॉमा राम इज नॉट देयर, बट इट डजेंट मेक्स एनी इम्पैक्ट बिकॉज ऑलरेडी वी हैव वन ट्रू हेयर एंड सिंस वी हैव पुट इट और हेयर, सो ट्रू और फॉल्स वुड गिविंग टू गिव ट्रू। सिमिलरली फॉर द सेकेंड रीजन राम कॉमा, फॉर द सेकेंड क्वेश्चन राम कॉमा मोहित, वी हैव टेकन राम कॉमा मोहित हेयर, राम मोहित कॉमा राम हेयर, राम कॉमा मोहित इज नॉट अवेलेबल हेयर सो फॉल्स इज देयर, मोहित कॉमा राम इज नॉट हेयर सो फॉल्स अगेन इज देयर, एंड फॉल्स इज गोइंग टू गिव यू द फॉल्स आंसर, राइट। नाउ लेट अस टेक इन एनदर एग्जाम्पल ऑफ लव, लव ऑफ राम कॉमा सीता। एज आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर, यू ऑल नो दैट द आंसर वुड बी ट्रू, राइट। सो इफ यू टेक अनदर, सपोज यू टेक राम कॉमा गीता, देन सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड हियर इन द फैक्ट्स सो इट विल गोइंग टू कम फॉल्स बिकॉज बोथ कंडीशन आर नीड टू बी ट्रू, मीन्स राम कॉमा गीता इफ आई पुट हियर दैट मीन्स आई वॉन्ट टू इंक्वायर दैट राम लव्स गीता एंड द रूल इज देयर राम लव्स गीता इफ एंड ओनली इफ राम लाइक्स गीता एंड गीता लाइक्स राम, सिंस बोथ ऑफ द कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट हेयर, इफ एनी ऑफ द कंडीशन वुड बी देयर देन ऑल्सो द आंसर वुड बी फॉल्स। सपोज देयर वुड बी कंडीशन लाइक लाइक्स गीता कॉमा राम, दैट इज राम लाइक्स गीता, देन ऑल्सो द आंसर वुड बी फॉल्स। सो आई होप दैट यू हैव लाइक दैट दिस लेक्चर ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ फर्स्ट वेरी वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड इन द फोर्थ कमिंग सेशंस ऑफ PPL एज वी विल मूव फॉरवर्ड वी गोइंग टू डीप लेक्चर्स ऑफ PPL, राइट। सो I hope you like this lecture, so please subscribe my channel and be with me in this session. Thank you very much.